टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। महंगाई की मार झेल रहे देश के किसानों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। किसानों के लिए सरकार एक खुशखबरी लेकर आ रही है, जिसके तहत अब किसानों को अपनी फसलों के और अच्छे दाम मिलेंगे। खबरों के मुताबिक वर्ष 2022-23 की खरीफ फसलों के लिए सरकार MSP बढ़ाने का ऐलान जल्द ही कर सकती है। केंद्र सरकार इस वर्ष MSP में 5 से 20% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। कृषि में बढ़ती लागत और कृषि उपकरणों के दाम बढ़ने के कारण सरकार ने इस फैसले पर विचार किया है। सरकार के इस फैसले से किसानों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। साल 2018-19 के बाद सबसे अधिक उत्पादन पर आ रही लागत को देखते हुए 50% लाभ की एक नई नीति बनाई गई थी। इस नीति के कारण खरीफ फसलों के लिए MSP को 4.1 से लेकर 28.1% तक बढ़ाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक MSP पर पिछले 3 वर्षों में मोटे तौर पर 1 से 5% तक बढ़ोतरी की गई थी। सोयाबीन के साथ साथ मूंगफली और तिलहन के लिए कृषि लागत और मूल्य आयोग ने इस साल MSP में सबसे अधिक बढ़ोतरी की सिफारिश की है। इसके अलावा दलहनी फसलों में अरहड़ और मूंग के MSP में बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार का मानना है कि अन्य तिलहनों के उच्च घरेलू उत्पादन से पाम ऑयल के आयात को कम करने में मदद मिलेगी। खरीफ फसलों की MSP बढ़ाए जाने से ग्रामीण इलाकों में किसानों की आय बढ़ेगी, जिससे उनकी खरीद क्षमता में बढ़ोतरी होगी। किसानों को फसलों पर दी जाने वाली MSP में किसानों द्वारा उपज पर खर्च होने वाली पूरी लागत शामिल होगी। इसमें खाद, बीज, कीटनाशक खरीदने का खर्च, ईंधन पर खर्च, लीज पर लिए गए जमीन की लागत और श्रम का खर्च शामिल होगा। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए ज्वार, बाजरा और रागी पर धान से अधिक MSP किसानों को दी जा सकती है। इसके अलावा दलहन और तिलहन की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए इन पर भी MSP को बढ़ाया जाएगा। साथ ही इस बार कपास किसानों को बढ़ी हुई MSP का तोहफा मिल सकता है। फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए कृषि में पानी के इस्तेमाल को कम करने के लिए सरकार यह फैसला कर सकती है। वहीं एक अधिकारी ने बताया कि हमारा ध्यान तिलहन, दलहन और मोटे अनाज के पक्ष में MSP को फिर से संगठित करने पर है, ताकि किसानों को इन फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, जो पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ हैं। साथ ही आयात पर देश की निर्भरता को कम किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।